की हो गई है। Hey guys, good morning. Welcome back to Noob Dog. तो कैसे आप सभी? तो आज हमारी बिट्टू रानी 1.5 साल की हो गई। आज इसका बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे मेरी बाबू मेरी बिट्टू। मैंने तो उसको रात में विश कर दिया था, ये सो गए थे। और तुम क्या कर रही? मैं तो ब्लॉग कर रही थी, ये मेरी कॉफी उठा रही है पीने के लिए। बाबू कॉफी नहीं पीते, कॉफी बाइट खाओ अपनी। कॉफी बाइट खाओ, कॉफी नहीं पीना, ठीक है ना? वो मम्मी पिएगी। तो आज मेरे बाबू को बर्थडे, सब लोग बाबू को बर्थडे विश कीजिए। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे बाबू। देखो बाबू आपकी वंशिका 1.5 साल की हो गई है। थैंक यू बाबू, थैंक यू बोल रहा है, थैंक यू बोल रहा है आप सबको। क्या हुआ? मारती है मुझे। अले तो आज बहुत ज्यादा ठंड है यहाँ पर। आज थर्सडे है तो कपड़े तो धोऊंगी ना, कपड़े हो रखे बहुत सारे, तो कल कपड़े धोऊंगी। तब जा रही हूँ यहाँ पर, झाड़ू लगा दूँ, दूसरी बार झाड़ू लगाऊंगी। रुक जा बेटा। तो हम रेडी हो गए हैं जाने के लिए। मैं चैन बंद कर रहा हूँ, मुझे लगा चिपक रहे हो। तब भी सोचो क्लोज के जा रहे हैं, तुम ब्लॉग में जैसे भागते रहते हैं, आते नहीं है। तो भी मैंने बाल झड़ा है 2-3 दिन के बाद, बहुत सारे खींच खींच कर टाइम ही नहीं मिलता। क्या बताऊँ आपको, बाल बाल झड़ने का, नहाने का मिलता है बहुत है। हाँ पूरा पैक कर दो, फिर धनबाद ना मेरी। हाँ बाल ऐसे टूट रहे हैं, इसमें बाल बंद हो गए। हाँ ठीक है, तो हम जा रहे हैं मार्केट लेके आते हैं बाबू के, लेके फिर दिखाती हूँ कैसे केक लेके आ रहे हैं, फिर कट 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 बाबू घर से करवाते हैं। तो हे गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं हम लोग आ गए हैं केक शॉप पे आशु के लिए केक लेने के लिए, और ये वीडियो शॉर्ट्स में बन गई है। तो मैं आगे ज़्यादा दिखा नहीं सकती कि कौन सा केक ले रहे हैं, घर पहुँच के दिखाती हूँ आपको। और ये गुब्बारे फुला रहे हैं और बाबू फोड़े जा रही है केक करके आराम से। बाबू लगवाना नहीं, फोड़ दे पहले, फोड़ना। एक का नाम है ना आशु का, हो गया खराब गया लाते टाइम। देखिए ये यू इसका। बाबू केक काटना है, ये क्लैप करने खड़ी है क्या? वही देखिए कैसे खड़ी है यहाँ पर। हाँ अच्छा गुब्बारे दो, लो लो गुब्बारे दो। इसने सारे फोड़ दी, ये क्या है, हाथ से टच होते फूट रहे हैं। बाबू ये लो, बाबू एक साइड में उधर बुझाओ मत ना। तो बाबू का केक कट कर दिया है और बाबू के कपड़े चेंज करने को बोल रही थी, पर मम्मी मना कर रही थी कपड़े मत चेंज कर, ठंड बढ़ जाएगी, तो आज है ना बहुत ज्यादा ठंड है। तो मैंने कपड़े चेंज नहीं किए, बाबू के जो कपड़े पहन रखी थी ना वही पहने दिए। क्या गिरा दिया तुमने? और ये बताया जो भैया को गए थे ना सागर भैया, वो केक को उन्होंने गिरा दिया, मतलब इधर उधर करने में। तो क्या उनका फिर से केक काटा है ना, तो ये पहन ले लाकर। तो इधर मैं चने की सब्जी बना रही हूँ काले चने की, और फिर रोटी बनाऊंगी उसके बाद। मामा गए थे काम पर, मेरी जॉब पर, तो आ गए तो केक दिए थे जो कट किया था बाबू का बर्थडे वाला। मामा ये लो केक बाबू का बर्थडे वाला, सबने खा लिए, आप रह गए थे आपको दिए। फाइनली मेरा काम हो गया खत्म, सारा किचन उचन का, बर्तन तो धोने का, खाना को खिलाने का, तो खिला दिया, बर्तन साफ करके किचन साफ करके बस मैं अपनी कॉफ़ी बना कर लेके आई हूँ। और ये रही हमारी बिट्टू माई बर्थडे गर्ल, जब सो रही है वो उधर से मैंने अपने बाबू गोदी में नहीं लिया, 3-4 घंटे हो गए, 7 बजे से लगी थी काम में, तो अभी तो सो रही है। और जो खाते पीते जैसे हम खाएंगे वेंगे ना तब तक ये जग जाएगी, फिर अपनी नींद पूरा करके फिर ये 1:30-2 बजे फिर सोएगी। तो अभी हम खाना खा रहे हैं, ये मेरा चने वाला, ये चने ये नहीं चिकन भेजे वो, और ये आज करण वाला सब चिकन बनाया था, चिकन चल रहा है। तो इस ब्लॉग का एंड यहीं करते हैं, अब हम चाहते हैं बाबू को हैप्पी बर्थडे,
बाबू खीरा खा रही है, चिकन खा रही है और मैं रोटी खा रहा हूँ। बाय बाय, हैप्पी बर्थडे बाबू। तो बाय गाइस, गुड नाइट, अपने ख्याल रखिए, गुड नाइट, बाय। के बर्थडे चार और ये जो है खाने पीने के लिए तो मेरे को याद आया था कि तो मैं खाया नहीं था, तो एक कट करने वाले खाया नहीं था, तो बाद में खाएंगे काम फिनिश करके सारा कुछ। तो हम सो गए थे, तो हम सोच रहे खा लेते हैं। तो बाबा ठीक बैठा था, बच्चा वो थोड़ा सा